Balance sheet part 1 form of balance sheet companies apni balance sheet revised schedule 3 ke part 1 ke according banati hai aur uska format jo hai wo yahan diya hai main format bata raha hu aapko sabse pehle name of the company left hand side mein company ka naam likha jata hai jis company ki balance sheet hum bana rahe hain फिर बैलेंस शीट एज एट यहाँ बैलेंस शीट का ईयर लिखा जाता है जिस भी ईयर की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं जैसे 31 मार्च 2017 फिगर्स इन रुपीज यहाँ सारे फिगर्स यहाँ हम लोग जो फिगर्स लिखेंगे वो रुपीज में आएंगे इसके लिए यहाँ लिखा जाएगा फिगर्स इन रुपीज फॉर्मेट में फोर कॉलम्स होते हैं पर्टिकुलर्स नोट्स टू अकाउंट फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड और ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर्स लिखेंगे यहाँ नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे यहाँ करंट ईयर के फिगर्स या प्रीवियस ईयर के फिगर एक्चुअली ये जो बैलेंस शीट होती है वो कंपेयर करते हुए बनाई जाती है यानी प्रीवियस ईयर के फिगर्स को भी लिखा जाता है ठीक है लेकिन हम जो बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं वहाँ हम लोग प्रीवियस ईयर के फिगर्स को नहीं पढ़ेंगे सबसे पहले जैसे आपने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ी है जिसमें दो एक लाइबिलिटी साइड और एक असेट साइड होता है वैसे ही यहां पर भी ये जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो दो पार्ट्स में बनती है इसको पार्ट्स बोलते हैं पहला पार्ट होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी इस इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर चार सब हेडिंग्स होती हैं मेन हेडिंग मेजर हेडिंग्स शेयर होल्डर फंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज ये चारों मेन और मेजर हेडिंग कहलाती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट की और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है असेट पार्ट इसमें नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स ये दो टाइप का मेजर हेडिंग होता है इस असेट में ठीक है जैसे बैलेंस शीट का रूल है कि बैलेंस शीट में जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होती है उसकी टोटल जो है वो असेट के बराबर आनी चाहिए तो यहां पर भी इक्विटी एंड लाइबिलिटी का जो आप टोटल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टोटल ऑफ फर्स्ट जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारी हेडिंग्स को आप प्लस करके लिखेंगे यहाँ पे वो असेट्स के इक्वल आना चाहिए जो असेट्स है टोटल ऑफ टू जिसमें फर्स्ट और सेकेंड का टोटल आप लिखेंगे इन दोनों के इक्वल आएगा तो बैलेंस शीट यहां पर कंपनीज की वर्टिकल फॉर्म में बनती है और वर्टिकल फॉर्म का जो फॉर्मेट है हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं